जान लेते हैं कि आखिर कब लगेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। कई लोग हैं जो ये जानना चाह रहे हैं, तो ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कब लग रहा है ये अंतिम सूर्य ग्रहण इस साल का। आपको बता दें कि इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगने जा रहा है। उससे पहले साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को लगेगा। ये दोनों ही ग्रहण धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है, जबकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। ये चंद्र ग्रहण पितृ पक्ष के प्रारंभ वाले दिन और सूर्य ग्रहण समापन के दिन लगेगा। जब ग्रहण लगता है तो उसका सूतक काल भी शुरू होता है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही लगता है, जो ग्रहण के खत्म होने के साथ ही समाप्त होता है। बता दें आपको कि ज्योतिष और पुराणों में के अनुसार और ज्योतिष आचार्य के अनुसार मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य का समय और सूतक काल क्या है। चलिए आपको बताते हैं, इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर के दिन बुधवार को लगने जा रहा है। उस दिन आश्विन अमावस्या है, इसके साथ ही उस दिन शर्वप्रित अमावस्या है। उस दिन अज्ञात पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध पिंडदान आदि किया जाता है। अब जान लेते कि आखिर सूर्य ग्रहण का अंतिम समय क्या है। भारतीय समय के अनुसार 2 अक्टूबर को रात 9:15 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा और इसका समापन अगले दिन 3 अक्टूबर को तड़के 3:17 पर होगा। बता दें सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले ही लग जाता है। इस आधार पर देखा जाए तो इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल सुबह 9:13 से लगना चाहिए, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल माने नहीं होगा। कहने का मतलब है कि इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल नहीं लगेगा। इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण चिली और अर्जेंटीना के पूर्ण रूप से देखा जा सकेगा। पेरू, न्यूजीलैंड, फिजी, ब्राजील, मैक्सिको, उरुग्वे, अमेरिका, पैराग्वे, अंटार्कटिका, डोंगा आदि जगहों पर आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इस वजह से इसका सूतक काल माने नहीं होगा। विज्ञान के अनुसार जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो उस समय चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसे ही जब चंद्रमा सूर्य के बीच पृथ्वी पे आ जाती है तो उस समय चंद्र ग्रहण लगने लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापी ग्रह राहु और केतु सूर्य का चंद्रमा का ग्रास लगने आते हैं, उस समय ग्रहण लगता है। ग्रहण के अनुसार ग्रहण के समय पूजा पाठ, भोजन बनाना, खाना, सोना आदि वर्जित होता है। मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण के खत्म होने के बाद मंदिर पे घर की साफ सफाई और उसके बाद स्नान और दान करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।